हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि दो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है पैरेलल, एक फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में मैं ले चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट और सेकेंड पार्ट हमारा कंटिन्यू है, दैट इज सोल्यूशन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम ऑप्टिकल आइसोलेशन तक पहुँच चुके हैं। आज मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा ऑप्टिकल आइसोलेशन के ऊपर। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस बनने वाले वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं सोल्यूशन चैप्टर के अंदर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन ट्वेल्थ क्लास में और नीट के एग्जाम में काफी हद तक पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने राउट्स लॉ कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने सॉल्यूशंस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स एंड सॉल्यूशन ऑफ अननोन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड आपको पढ़ाया था, जिसके सारे फॉर्मूले, जिसके सारे न्यूमेरिकल्स मेरे इससे पहले वाले वीडियो में अपलोडेड हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आइए इनके बाद में इनके बारे में सीखते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन की जहां तक बात है, दे फॉलोज राउट्स लॉ At all temperatures and concentrations, ये सभी temperatures पर concentrations पर solution dilute होना चाहिए, Raoult's law को follow करते हैं, जबकि ये do not follow और negative वाले भी do not follow। इसका क्या reason है, मैं थोड़ी देर में आपको clear कर पाऊंगा। Second सबसे important point है, second point is most important point, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। Suppose बच्चों A liquid में आपने B liquid को mix किया और आपका सॉल्यूशन बन गया ए बी का। अब जैसे ही ए के अंदर बी मिक्स किया है, तो प्योर ए लिक्विड में ए डॉट 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 ए इंटरेक्शन थी, ए की ए के साथ इंटरेक्शन थी। प्योर बी लिक्विड में बी की बी के साथ इंटरेक्शन थी। जैसे आपने दोनों को मिक्स किया, अब ए और बी की म्यूचुअल इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो गई। बस सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अगर ये म्यूचुअल इंटरेक्शन जो नई बनी है वो प्रीवियस ए ए या बीबीबी के कंपैरेटिवली सिमिलर है, तो फिर वो बनता है आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये नई बनने वाली इंटरेक्शंस किसी भी रीजन से पहले से वीकर हो जाती हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हट जाते हैं, उस केस में जो सॉल्यूशन बनता है उसको पॉजिटिव डेविएशन वाला कहते हैं। और अगर दो लिक्विड को मिलाने के बाद बाय एनी रीजन उनके बीच में बॉन्ड्स थोड़े और स्ट्रोंगर हो जाएं, इंटरेक्शन थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाए, तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि अगर मैं बिल्कुल इसी नेचर के जैसा ही कोई लिक्विड लेता हूं, मैंने यहां पे शो कर दिया इन दोनों के वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल है, तो क्या होगा, मिलाने के बाद जो नई इंटरेक्शन आएंगी वो भी बिल्कुल वैसे से ही होंगी। भाई आपने जिसके अंदर जिसको मिलाया है, इन दोनों की अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ में आपस में एक जैसी है, तो मिलाने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, ए बी इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ ए डॉट 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 ए एंड बी डॉट डॉट बी इंटरेक्शंस। जितना ये इंडिविजुअल खुद के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, मिलाने के बाद ये एक दूसरे को भी उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं सिमिलर इंटरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं और मिलाने के बाद किसी भी रीजन से इनकी इंटरेक्शंस पहले से कमजोर हो जाए, यानी कि ये दूर दूर हट जाएंगे, तो उस केस में बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने बोला ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन, कमजोर हो जाती हैं ए डॉट 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 ए एंड बी डॉट 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 बी इंटरेक्शन से, तो उस केस में बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। देखिए ऐसा कैसे होता है। सपोज मैंने इथेनॉल लिक्विड में वाटर को मिक्स कर दिया। हम लोग जानते हैं कि इथेनॉल इथेनॉल भी आपस में एच बॉन्ड से जुड़े होते हैं और वाटर वाटर भी आपस में एच बॉन्ड से जुड़े होते हैं,
लेकिन जैसे हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, वाटर इथेनॉल के एच बॉन्ड को डिस्टर्ब कर देता है और इथेनॉल वाटर के एच बॉन्ड को डिस्टर्ब कर देता है, तो मिक्सिंग के बाद में नई इंटरेक्शंस पहले से वीकर हो जाती हैं। अब आप सोचिए, लिक्विड फेज में अगर दो मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शंस वीक हो गई तो एक दूसरे दूर हट गए, लिक्विड फेज में अगर वो एक दूसरे से थोड़े से दूर हट गए तो उनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा किसमें होता है, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस में। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो एबी इंटरेक्शंस हैं वो किसी भी कारण से दूसरे की इंटरेक्शन से क्या हो जाते हैं, स्ट्रोंगर हो जाते हैं। यानी कि ए में बी जब मैं मिलाऊंगा तो बाय एनी रीजन उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं। जब एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे तो वोलेटाइल नेचर इनकी कम हो जाएगी और वेपर फेज में कम जाएंगे। तो ये बेसिक रीजन होता है कि आइडियल में ए डॉट डॉट बी इंटरेक्शंस ए ए और बी बी के सिमिलर होती हैं, पॉजिटिव डेविएशन में नई इंटरेक्शंस वीकर हो जाती हैं, नेगेटिव डेविएशन में नई इंटरेक्शंस पहले से स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में बात कर रहा हूं एस्केपिंग टेंडेंसी की। जब इंटरेक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ही रहेगी, लेकिन यहां पर क्योंकि अट्रैक्शन वीक हो गया दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इनकी वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि हम क्या बोलते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगर अट्रैक्शन फोर्स पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जरा इसका एग्जाम्पल भी देखिए आप लोग। एसीटोन एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म भी एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, यानी कि प्योर एसीटोन 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 के बीच में भी कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, प्योर क्लोरोफॉर्म 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 के बीच में भी कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, तभी तो ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। तभी तो आप क्लोरोफॉर्म की शीशी को खोलते हो जब तो स्मेल आती है बहुत तेज बाहर, जब भी आप एसीटोन की शीशी को खोलते हो बहुत तेज स्मेल बाहर आती है, तो जिन लिक्विड के ढक्कन खोलते ही बहुत तेज स्मेल बाहर आती है, तो मान लेते हैं कि ये लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है क्योंकि इसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होने के कारण ही जैसे ही आप उसका ढक्कन ओपन करते हो वेपर फैल जाते हैं। लेकिन जैसे आप इन दोनों को मिक्स करते हो अब इनके बीच में एक नए क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इनके बीच की इंटरेक्शन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। इसी कारण मॉलिक्यूल पास पास आने के कारण अब इनकी लिक्विड से वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिकली। जैसे कि मैंने बोला ये राउट्स फ्लो को फॉलो करते हैं, तो आप जानते हो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एक्स से पी नोट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एक्स बी पी नोट बी, और पी एस में इन दोनों को सम करता हूं तो ये तो तीनों रूल राउट्स फ्लो वाले आराम से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वालों में ऐसा नहीं होता। आप समझ सकते हैं अभी बात, आप समझ सकते हैं कि क्योंकि मिलाने के बाद में इंटरेक्शंस पहले से वीकर हुई हैं, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए इनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ गई है, यानी कि इनके जो वेपर प्रेशर आएंगे, चाहे पार्शियल वेपर प्रेशर कह दो और चाहे कंप्लीट वेपर प्रेशर कह दो, वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आएंगे क्योंकि इनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ गई या इनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो सजेस्टेड वैल्यूज हैं ये वाली, अब प्रैक्टिकल वैल्यू जो आएगी इनकी पहले से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि इनकी वेपर प्रेशर बढ़ गई है, क्योंकि जब इनको मिलाया तो ये दूर दूर हट गए। तो पीए की वैल्यू एक्स से बी नोट ए से ज्यादा आती है, पीबी की वैल्यू एक्स बी नोट बी से ज्यादा आती है, तो नेचुरल सी बात है पीएस की वैल्यू भी एक्स से पी नोट ए और एक्स बी नोट बी की वैल्यू से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। सेम वहां पर है, वहां पर क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम हो गई, तो इनके जो वेपर प्रेशर्स की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं वो राउट्स लॉ से जो सजेस्टेड वैल्यूज हैं उससे थोड़ी सी कम आती हैं। तो पी ए इज लेसर देन एक्स से पी नोट ए, पी बी इज लेसर देन एक्स बी पी नोट बी, एंड पी एस इज लेसर देन द सम ऑफ एक्स से पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट। फिर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है, डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग। दो लिक्विड्स को मिलाने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आता है उसको वी एफ कहते हैं, वी एफ, और मिलाने से पहले जो उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का सम होता है,
इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का सम होता है उसको वी आई कहते हैं। मान लीजिए आपने 15 ml ए में 15 ml बी को मिलाया, तो एक्सपेक्टेड है जैसे कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 30 ml होगा। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग के बाद में ना तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आए और ना ही एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूर हटे, इसलिए फाइनल वॉल्यूम आएगा 30, इनिशियल वॉल्यूम भी 15 + 15 30, 30 - 30 इज इक्वल टू 0। तो आइडियल सॉल्यूशंस में मिक्सिंग के कारण वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, ना तो वॉल्यूम एक्सपेंशन शो करता है बढ़ता है और ना ही वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन शो करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल उतनी दूरी पर ही रहते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव डाइवर्जन वाले केस हैं उनमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगी, पॉजिटिव। मैंने भी आपको बोला कि इनमें ए बी इंटरेक्शंस क्या हो जाते हैं, वीकर। वीकर होने से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर। जब दूर दूर हो जाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम जो आएगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल इनिशियल वॉल्यूम्स के सम से ज्यादा होगा। यानी कि आप 15 ml में 15 ml अगर मिलाएंगे तो हो सकता है नेट वॉल्यूम आपका 32 ml आ जाए। तो ये जो 2 ml का इंक्रीज हुआ है, 32 - 30 = 2, ये जो 2 ml का इंक्रीज हुआ है, इस कारण से हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वी पॉजिटिव आता है, इसको एक्सपेंशन वाला केस बोलते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आप समझ गए, नेगेटिव डेविएशन में मिलाने के बाद और पास पास आ गए, जब और पास पास आ जाएंगे तो इनके जो वॉल्यूम आएंगे वो पहले से थोड़े से कम हो जाएंगे, इसलिए वी फाइनल वी इनिशियल से छोटा होगा। ऐसा होगा कि 15 ml में आप 15 ml मिक्स करोगे तो आना जो चाहिए था 30 ml, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल पास पास आ गए। अब ये वॉल्यूम मान लो आ गया 28 ml, तो 28 - 30 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 28 - 30 करेंगे तो -2 आएगा। तो ये मिक्सिंग होने पर कॉन्ट्रेक्शन शो करते हैं और ये मिक्सिंग होने पर एक्सपेंशन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की। इसको बोलते हैं बेटे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सिंग। जब भी हम दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो उनके बीच के बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा कि वो बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, अगर उनके बीच के बॉन्ड बनते हैं या स्ट्रोंगर होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर उनके बीच के बॉन्ड टूटते हैं या वीकर होते हैं तो एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक स्टेप, डेल्टा एच नेगेटिव, एंड बॉन्ड वीकनिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक स्टेप, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो यहां तो बॉन्ड उतना ही रहे, सिमिलर इंटरेक्शन ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे मिलने के बाद में और ना एनर्जी रिलीज करेंगे। अब यहां देखिए, यहां बॉन्ड पहले से कमजोर हो गए, यानी कि एक तरह से बॉन्ड वीकन हो गए, और अगर बॉन्ड वीकन हो जाएंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको वीकन करने के लिए। तो डेल्टा एच क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक मिक्सिंग शो करते हैं। और यहां पर उल्टा है, यहां पर मिलाने के बाद नए बॉन्ड बन गए। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, नेगेटिव। प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊं, प्रैक्टिकल लेवल पे ये कि इसको मिलाने के बाद टेम्परेचर में ना तो इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज आएगा, इसको मिलाने के बाद में क्योंकि इसने हीट ली है तो कूलिंग हो जाएगी, ठंडा हो जाएंगे, और इनको जब मिलाऊंगा क्योंकि इन्होंने हीट रिलीज की है तो क्या हो जाएंगे, कंटेनर गर्म हो जाएगा। लास्ट के दो पॉइंट गलती करवाने वाले पॉइंट हैं, लास्ट के दो पॉइंट गलती करवाने वाले पॉइंट है। अभी तक तो क्या चल रहा है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन लास्ट के दो पॉइंट आप ध्यान से सुनेगा। इसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जब भी हम दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो हमेशा मिक्सिंग के कारण एंट्रोपी पूरे सिस्टम की बढ़ती है। इस बात को अच्छे से आप जनरलाइज कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, व्हेन वी मिक्स टू सब्सटेंसेस द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो, आप तो दोनों में मिक्स कर रहे हैं, तो यहां पर भी डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव आएगी, सॉरी यहां भी डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव आएगी, यहां भी डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव आएगी, और यहां भी डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि याद रखिएगा एंट्रोपी चेंज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और लास्ट आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, मैं यहां लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट है मेरा डेल्टा जी मिक्सिंग, लास्ट पॉइंट है मेरा डेल्टा जी मिक्सिंग, 8 पॉइंट है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग आती है बेटे इसमें नेगेटिव, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूं, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, फॉर्मूला होता है किसी भी प्रोसेस की, जो प्रोसेस के कारण
जो टोटल गिब्स एनर्जी में चेंज आता है वो आता है माइनस टी डेल्टा एस। तो जब ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी तो 100% है कि डेल्टा जी मिक्सिंग में क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी, नेगेटिव। तो यहां भी नेगेटिव है, यहां भी डेल्टा जी नेगेटिव है और यहां भी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है बेटे, नेगेटिव आती है। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हमें आइडियल और नॉन आइडियल को पढ़ना है। और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं इनके एग्जांपल्स की, आप समझ सकते हैं ये तो वो वाले दो लिक्विड्स को मिक्स करूंगा जिनकी नेचर ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, जैसे एनहेक्सेन एनहेप्टेन, बेंजीन टोलुइन, मीथेनॉल इथेनॉल। तो आपको एक जैसे लिक्विड मिलेंगे जो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये सारे आइडियल बनाते हैं। ये वो लिक्विड होते हैं जिनकी इंटरेक्शन खुद के साथ अलग होती है और मिक्सिंग के बाद अलग हो जाती है, और अलग भी कैसे, वीक हो जाती है, जैसे कि इथेनॉल वाटर, जैसे कि इथेनॉल एसीटोन, जैसे कि क्लोरोफॉर्म CaCl3, जैसे कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन। इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन वाले, और ये वो हैं जो मिलाने के बाद नए बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एनिलीन, HCl वाटर। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले केसेस होते हैं। तो ये कंपैरिजन है आइडियल सॉल्यूशंस की और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइए अब हम बात करते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि हम किस तरह से आइडियल सॉल्यूशंस के कर्व्स प्लॉट करते हैं, जिससे आपको इनके बारे में थोड़ा और आइडिया होने वाला है मैथमेटिकली ग्राफिकली। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कर्व प्लॉट कर रहे हैं इन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में मैं कर्व प्लॉट करने वाला हूं, उस कर्व में से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका बिहेवियर किस तरह का होता है। आइए इसको कर्व को प्लॉट करते हैं। तो बच्चों ये आ गया PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है मोल फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए B की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है इधर, क्योंकि x एक्सिस पे यहां तो x से 1 है, x b है 0, और यहां x a हो गया 0 और x b हो गया 1। तो अगर मैं आपको साथ साथ मैथमेटिकली बताता जाऊं, सपोज मैंने p नोट b लिया है p नोट a से ज्यादा, यानी कि a मेंबर से ज्यादा वोलेटाइल है b मेंबर, ये मैंने 200 टोल ले लिया इसका वेपर प्रेशर, और इसका मान लीजिए मैंने 100 टोल ले लिया। अब मैं अलग अलग स्टेजेस पर इस कर्व में PA, PB और PS की वैल्यू निकालने वाला। मान लीजिए पहला पॉइंट, शुरू में मेरा XA 1 है बच्चों, तो XB कितना हुआ 0, तो PS जो कि होता है PA प्लस PB, राउस लोग फॉलो करेंगे क्योंकि मैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा रहा हूं अभी, तो आपको मैं अभी आइडियल के लिए कर्व बता रहा हूं, आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व बता रहा हूं। तो PS दैट इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, राइट, एक्स बी पी नोट बी। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो एक्स ए तो 1 है इंटू 100 प्लस 0 इंटू 200, तो PS फर्स्ट पॉइंट पर आएगा 100, जो कि किसके बराबर होगा, P नोट A के बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं ये लेता हूं, ये वाला पॉइंट है जब X 1 है, तो PS 0 तो नहीं है, PS 100 है, सपोज ये वैल्यू में 100 वैल्यू के कोरस्पोंडिंग मान रहा हूं, और शुरुआत में PS किसके बराबर होगा, P नोट A के बराबर होगा फर्स्ट केस। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं जिसमें मैं एक्स ए में बी मिला रहा हूं, तो सपोज एक्स से घटके हो गया 0.8 और एक्स बी बढ़कर हो गया बेटे 0.2। तो अगर मैं अब करता हूं पी एस इज इक्वल टू एक्स पी ए प्लस पी बी एक्स ए पी नोट ए 0.8 इंटू 100 प्लस 0.2 इंटू 200, तो ये होगा 80 और ये होगा 40, और इस बार जो आपका पी एस 2 आएगा, इस बार जो आपका PS 2 आएगा, सेकंड पॉइंट का PS, वो फर्स्ट पॉइंट के PS से ज्यादा होगा, दैट इज 120। सपोज मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, सपोज मैंने बात की इस पॉइंट की, तो X से है 0.8
और एक्स भी कितना है 0.2। अब मैं थर्ड स्टेज की बात करता हूं, थर्ड पॉइंट में ले रहा हूं जस्ट उल्टा, बढ़ते 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 अगर x से हो गया 0.2, b की मोल फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है सपोज, और ये हो गया 0.8, तो PA3 आ जाएगा, PA plus PB as usual, XA P not A plus XB P not B, तो ये आ जाएगा 20 plus 160, अब आ जाएगा 180, यानी कि PS3 की वैल्यू आ रही है 180। यहां से मुझे पता लग रहा है PS1 से ज्यादा है PS2 और PS2 से ज्यादा है PS3। एक बार तीन की बात ही करता हूं, इन तीन पॉइंट की बात करता हूं। अब आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक कर्व खींचता हूं, अगर मैं बात करता हूं PA की, तो आप देख पाएंगे कि PA की वैल्यू तो लगातार डिक्रीज होगी। क्या है ये PA, क्योंकि PA किसके बराबर होता है बेटे, XA P नोट A, यानी कि क्या मैं कह दूं कि पूरे सॉल्यूशन में A का कंट्रीब्यूशन लगातार डिक्रीज होगा लीनियरली, क्योंकि इसकी मोल फ्रैक्शन भी लगातार डिक्रीज कर रही है। शुरू में मोल फ्रैक्शन थी इसकी 1, सेकंड पॉइंट में कितनी होगी 0.8, थर्ड पॉइंट में कितनी दे रहा हूं 0.2, तो अगर मोल फ्रैक्शन A की डिक्रीज होगी तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा पेपर प्रेशर में वो भी डिक्रीज होगा। तो शुरू से देखकर जब मैं यहां पर आ जाऊंगा तो PA हाईएस्ट से लोएस्ट हो जाएगा, 0 पे जाके खत्म हो जाएगा। जहां तक PB का सवाल है, तो PB की मोल फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है लेफ्ट टू राइट, देख लो पहले ये 0 थी, फिर 0.2 होगी, फिर 0.8 हो गई, और आप जानते हैं कि किसी भी मेंबर का पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, तो P का कंट्रीब्यूशन, B का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। शुरू में 0 था इसका कंट्रीब्यूशन, फिर इसका कंट्रीब्यूशन 40 हो गया, और फिर इसका कंट्रीब्यूशन 160 हो गया, तो लगातार जो आपका B है वो इंक्रीज करता जा रहा है, लगातार आपका जो B है वो इंक्रीज करता जा रहा है। लाइन ऊपर क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि P नोट B की वैल्यू मैं बोल ही चुका हूं, P नोट B की वैल्यू P नोट A से ज्यादा है, तो लास्ट में जब A खत्म हो जाएगा और B रह जाएगा, तो अब पूरे सॉल्यूशन का जो PS आएगा वो किसके बराबर आएगा, P नोट B के बराबर आएगा। तो ये जो बढ़ने वाली लाइन है वो किस कारण बढ़ रही है, XA P नोट A, XB P नोट B के कारण बढ़ रही है। तो PB का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, PA का कंट्रीब्यूशन घट रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, इस मोल फ्रैक्शन पर एक लाइन खींच ली मैंने, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो इस पूरी लाइन पर, ये तो PB की वैल्यू है और ये इस लाइन पर PA की वैल्यू है। अगर मैं इनको नंबर दे दूं, इसको A, इसको B, इसको C, तो आप समझ सकते हो जो AB है पॉइंट, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, B का, इसको मैं PB कर देता हूं, और जो AC पॉइंट है ये वाला, ये किसकी लाइन पर आ रहा है, PA की, तो ये मैं PA कह देता हूं। तो मुझे बताओ, आप यहां लिख देता हूं, जो PS होता है वो क्या PA प्लस PB के सम के बराबर होता है, तो क्या PS, अब मैं इसको नंबर डालूं, इसके अंदर अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो इससे जो लाइन आएगी वो आती है PS की लाइन, और वो लाइन आती है ऐसे, ये जो लाइन आई है ये आई है PS, जो कैसे आई है, ये आई है PA प्लस PB को जोड़कर। तो अगर PA PB इतना है और PA इतना, इनको सम करूंगा तो नेट वैल्यू जो ब्लैक एरो आपको दिख रहा है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट को मैं डी पॉइंट बोल देता हूं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, पीएस की वैल्यू आएगी। दोबारा फिर देखिए, इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर ये जो वैल्यू आई है ये आई है पीबी की, ये जो वैल्यू आई है वो आई है पीए की, पीए और पीबी को जोड़ूंगा तो पीएस आएगा, तो जो पूरी वैल्यू आ रही है ये किसकी आएगी, पीएस की। तो मैं क्या कह सकता हूं, पीएस की जगह लिख देता हूं एडी, एडी, और पीए की जगह क्या लिख देता हूं, एसी। देखो पीए वाले लाइन पर एसी, इसको लिख दिया मैंने एसी, और पीबी के लिए क्या लिख देता हूं, एबी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन ऐड होंगे, जरा मैं बना के दिखाऊं आपको, ये कंट्रीब्यूशन है बी का, तो पीबी की लाइन तो थी ब्लू कलर की ऐसे, बिल्कुल समझ जाओगे आप लोग, पीबी की लाइन तो थी ऐसे, ये थी पीबी की लाइन, ठीक है। फिर आपने इसमें ऐड करना चाहा एसी को, तो ये लाइन थी आपकी एसी, तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो ब्लैक वाली लाइन आएगी वो सबसे ऊंची आएगी, तो ये लाइन है ए बी,
ये लाइन है एसी और ये लाइन है एडी, मान लो ये 20 टोर है, मान लो ये 30 टोर है, तो 100% बात है ये क्या होगा बेटे, ये 50 टोर होगा। तो ये जो लाइन आती है ये आती है आपकी पीएस की लाइन, जो गिरने वाली लाइन आती है आती है पीए की लाइन, ये जो उठने वाली लाइन आती है आती है पीबी की लाइन। तो मैंने तीन स्टेज में इसकी स्टडी कर ली, पहला पॉइंट था ये वाला, सेकेंड पॉइंट ये वाला, थर्ड पॉइंट यहां पर लिया होगा, सोच लो ये देखो यहां पर एक्स से घटता घटता रहेगा बेटे 0.2 और एक्स भी बढ़ बढ़ के कितना हो गया 0.8, तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। और चाहो तो फोर्थ पॉइंट बना लो, जिस फोर्थ पॉइंट में एक्स ए तो जीरो हो गया है और एक्स भी क्या हो गया है 1, तो उस केस में सारा का सारा वेपर प्रेशर पी नोट बी के बराबर होगा। तो इनिशियल पॉइंट पी नोट ए के बराबर क्यों है, क्योंकि केवल ए लिक्विड है, बी डालाइन है। लास्ट पॉइंट में सारा वेपर प्रेशर पी नोट बी क्यों है, क्योंकि ए खत्म हो गया ऑलमोस्ट और केवल बी बचा है, यानी कि जब भी मैं ए और बी को मिलाऊंगा तो अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर की बात करूं, कोई बच्चा कहे कि बढ़ क्यों रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप लेस वोलेटाइल कंपोनेंट में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड कर रहे हो। आप लेस वोलेटाइल कंपोनेंट में जब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करोगे तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की मोर फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, और अगर इसकी मोर फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा, इसलिए ये कर्व है वो नीचे से ऊपर आ रहा है। सपोज पी नोट बी छोटा होता पी नोट ए से तो ये उल्टा होता, तो पी नोट ए से जब पी नोट बी की तरफ आते तो ये कर्व डाउनवर्ड्स आके खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आइडियल सॉल्यूशन के कर्व्स की भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे वाले टॉपिक्स को देखेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।